एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं ईशा। तो आज हम कुछ नया मजेदार चटपटा स्नैक बनाएंगे जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो आइए हम दाल चावल का बहुत ही टेस्टी सा बढ़िया सा स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल दाल का हेल्दी और चटपटा नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल चावल लिए हैं और हाफ बॉल हमने उड़द धुली दाल ली है जिसको हमने 3 घंटा भिगो के रखा था। उसके बाद इसका पानी निकाल दिया है। 2 बॉयल आलू लिया है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। 2 टेबलस्पून हम दही लेंगे, सॉल्ट एज पर टेस्ट लेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन लिया है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी मिर्ची लेंगे, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च और 1 पिंच हींग लेंगे। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मिक्सी का पॉट ले लिया है तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, पानी थोड़ा ही ऐड करेंगे और इसे हम पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, गाढ़ा पेस्ट। चावल आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये चावल को हमने पीस लिया है और ये बिल्कुल इसी तरह का गाढ़ा पेस्ट आपको भी बनाना है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं एक बॉल में। इसी पॉट को हम धोएंगे नहीं और इसी में हम दाल को भी पीस लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे और इसे हम पीस लेंगे। ये दाल को भी हमने पीस लिया है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है तो इसे भी हम बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब दाल चावल दोनों के पेस्ट को हम मिक्स कर लेते हैं। ये पेस्ट हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, ग्रीन चिली ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, सब्जी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, हींग ऐड करेंगे, ये हमारे नाश्ते को बहुत अच्छा टेस्ट देगा, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में, नमक ऐड करेंगे एज पर टेस्ट रहेगा, हरा धनिया ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अब 10 मिनट के बाद हम प्लेट हटा लेते हैं और दोबारा इसे मिक्स कर लेते हैं मिक्सर को। ये मिक्सर हमारा काफ़ी अच्छे से फूल चुका है तो अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे जो हमारे नाश्ते को अच्छा सॉफ्ट बनाएगा और इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सर अब रेडी हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए तो अब हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। नाश्ते को फ्राई करने के लिए यहाँ हमने ऑयल को गर्म कर लिया है तो अब मिक्सर में से हम 1 चम्मच लेंगे जितना बड़ा नाश्ता आपको बनाना है और इसे हम तेल में ऐड कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरा भी चम्मच ले लेंगे नाश्ते का। इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को ऐड कर लेंगे तेल में। इस नाश्ते को हम मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, इससे बहुत अच्छा ये फ्राई होगा और बीच बीच में हम इसे फ्लिप करते जाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाता है। इसे फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है ये हमारा नाश्ता। ये नाश्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे ये फूल चुके हैं और कितना प्यारा कलर आ चुका है इसमें। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ खा सकते हैं और जब भी कभी आपके घर में मेहमान आए तो आप इसे तुरंत बना के खा सकते हैं। तो इसे हम बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर में। बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि इसे हमने सब्जियों से बनाया है। तो इसी तरीके से हम बाकी पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे।
ये चावल दाल का हमारा बहुत ही हेल्दी और चटपटा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, तो आप भी इसे अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ खाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।